कासगंज जिले के आमापुर थाने में पुलिस के उत्पीड़न से आजीजा कर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 24 वर्षीय गौरव ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में बुधवार की दोपहर को अंतिम सांस ली। वह पिछले 6 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। गांव में गौरव की मृत्यु की खबर फोन पर मिलते ही उनके परिजनों में चीख पुकार मच गई। भारी संख्या में पुलिस पीएसी के जवानों की संख्या पहुंचने लगी। परिजनों ने देवरी ग्राम प्रधान श्याम सिंह सुमन सहित 5 लोगों के अलावा पुलिस पर उत्पीड़न कर हत्या करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आमापुर थाना क्षेत्र के रसलुआ सुलहपुर निवासी रघुराज ने 24 वर्षीय बेटे गौरव को गांव की लड़की भगाने के आरोप में लड़की के पिता वीरपाल अपने रिश्ते के साड़ू श्याम सिंह सुमन जो कि मौजूद देवरी गांव का प्रधान है वह अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर 3 फरवरी को घर से उठा कर ले गए जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और थाने में बंद कर दिया। 7 दिनों तक पुलिस ने हवालात में रखा। 9 फरवरी को मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर गौरव ने शौचालय में जाकर मफलर से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। उसका उपचार 6 दिनों से अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। बुधवार को उसने अंतिम सांस ली। उधर पुलिस ने अपनी गलती दबाने के लिए इस मामले में लड़की के पिता और श्याम सिंह सुमन को नामजद करते हुए अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने इंस्पेक्टर यतेंद्र प्रताप और आईओ गया प्रसाद को निलंबित कर दिया है। मृतक की छोटी बहन राधा और मां उर्मिला बेटे के गुनहगारों पर कार्रवाई कर न्याय की मांग कर रही हैं। वह चीख चीख कर हत्या का आरोप पुलिस और प्रधान के सहयोगियों पर लगा रही हैं। उधर सुरक्षा को लेकर गांव के आमापुर पतक मथुरा अलीगढ़ हाथरस एटा का भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। आईजी सुलभ माथुर भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। गौरव के शव का रात्रि में अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी अभिषेक जाटव भी अपने साथियों के साथ गौरव के गांव पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर सीधा मर्डर का आरोप लगाकर शासन प्रशासन से 50 लाख रुपए नगद 10 बीघा जमीन और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग रखी है। छोटा वाला बेटा कहाँ है? छोटे वाला कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 2 अगस्त को हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। इनके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। 50 लाख रुपए थोड़ा जमीन रणवीर सोलंकी शुभम बालियान ये लोग आपकी लिस्ट में है जिन लोगों को आपने सस्पेंड किया है सर? लिख के लिख के दिया था उसमें दिया हुआ सस्पेंड हमारे इंस्पेक्टर है यतिंदर। हाँ वो सस्पेंड है। ठीक है आयु सस्पेंडेड है। ठीक है अन्य चीजों पे अभी। और सबसे आखिरी हमारी तरफ से कि मुकदमा जो पंजीकृत किया गया बेटा क्या मांग कर रही हो अपने भाई को लेकर? मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और जिसमें उन्होंने मारा है उनको भी मेरे सामने लेके आइए। मेरे भाई के साथ उन लोगों की भी लेस चाहिए मेरे को। कौन लोग थे मारने वाले? पुलिस वाले ने मारो मेरे भैया हत्या से ले गए पकड़ के। मैं अकेली थी मैं घर है मैं भैया पकड़ ले गए मैं मेरे घर रह गई। 7 दिन जेल में रखो फिर कह रही के रचना है वादे में चालाना काट देंगे। कौन है मैं सुनी आपके भाई की? पुलिस वालों ने मारा मेरे भाई को। गया प्रसाद घर से लेके गया था पकड़ के मेरे भाई को। 5 लोग आए थे 5-6 पुलिस वाले थे। मैं घर पे अकेली थी 7 दिन जेल में रखा मेरे भाई को थाने में रखा 7 दिन। कुछ एक से जाते मेरे पापा कहते थे कुछ नहीं पैसे चाहिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को तब तेरे भाई को छोड़ूंगा मैं। भैया पापा ने बोल दिया कि मेरे पास मैं गरीब हूँ मेरे गांव से आएंगे मैं रिश्तेदारों के पास फोन करूंगा तब पैसे दूंगा। बोल दिया कि 9 तारीख को 9 बजे थाने में आ जाना बोल दिया। तू थाने में गए रोटी लेके मेरा भाई वहाँ पर नहीं मिला थाने में। आप यहाँ आए हैं क्या बात हुई आपसे आपकी? देखिए हमें जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद कासगंज के अमापुर के अंदर एक गांव पड़ता है वहाँ एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के अंदर
पुलिस के द्वारा बयान दिया गया कि भाई उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया, उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और इलाज के दौरान उसकी आज 14 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। हमें जानकारी मिली तो हम लोग तुरंत दिल्ली से रवाना हो लिए। यहाँ आके जानकारी मिली कि बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि भाई उसको 8 दिन से रखा था, कस्टडी के अंदर रखा था, जो एक कानून अपराध है अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो। उसके बाद यहाँ आके हमने प्रशासन के लोगों से, यहाँ पे SDM है, DM है, CO साहब है, एडिशनल SP है, तमाम लोग हैं, हमने तमाम लोगों से अपनी बात रखी। परिवार के लोगों से हम मिले तो परिवार के लोगों की एक मांग है, कुछ मुख्य मांगे हैं, वो ये है कि 50 लाख का मुआवजा, जो परिवार की नहीं पूरे समाज की है, क्योंकि वो 22 साल का नौजवान था, उसका एक छोटा जो भाई है उसकी उम्र अभी 17 साल है, वो बालिग नहीं हुआ, एक छोटी बहन है, और भी 2 बहनें हैं, और उसके बाद माता पिता, और वो बहुत गरीब स्थिति में है परिवार। जब हमने देखा तो सब लोगों से, समाज के लोगों से बात करके और परिवार से भी बात करके ये फैसला हुआ कि 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और 10 बीघे ज़मीन जो उपजाऊ हो, परिवार को एक सरकारी नौकरी, और क्या था चौथा, जिन्होंने भी, क्योंकि देखो आप सब लोग जानते हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने हत्या का प्रयास, खुद को आत्मदाह का प्रयास किया और वो गलती से मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो अटैम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में हुआ है, और पुलिस कस्टडी में अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है, और प्रशासन इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकता है। और हम इसीलिए पूरी मजबूती से रात को यहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज का कोई पैरोकार नहीं है, तो अगर हम भी नहीं